हेलो दोस्तों, यात्री बिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरे शो के नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। आप सबको पता है, यात्री बिल्ली एक ऐसा चैनल है जो आपको एंटरटेनमेंट, रेसिपीज, ट्रैवल, मोटिवेशन एंड मेनी मोर, ये सब कुछ आपको अपडेट्स देते रहेगा। तो आज मैं इस एपिसोड में आपके लिए अरबी की सब्जी बनाने वाली हूँ। ये जो अरबी है ये बहुत काफी रेयर मिलती है, तो आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने अरबी के छिलके निकाल लिए हैं। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी, इसे छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी ताकि ये अच्छी लगेगी। आपको बड़े चाहिए तो थोड़े बड़े भी काट सकते हैं, पर मैं मीडियम प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं अब इसे मीडियम शेप में काट रही हूँ। मैंने अभी इस साइज में से काट लिए, अब मैं इसे धो दूंगी। आप सबको पता है ये जो सब्जी होती है ये इससे खाने से यहाँ पे हमें खजाती है एक्चुअली गले में, तो इसलिए काफी लोग इस सब्जी को बनाने के लिए अवॉइड करते हैं, पर ये मेरी फेवरेट सब्जी है। इसमें अगर आप ये इमली डालेंगे या कुछ खट्टा डालेंगे तो ये आपकी सब्जी यहाँ पे गले पे नहीं खुजाएगी और ये बहुत अच्छी रहती है। कहते हैं इस सब्जी से जो किडनी में लोगों को स्टोन वगैरह होता है वो भी नहीं होता है, तो इसे हमें खाना ही चाहिए। तो चलो अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो अब मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालती हूँ। मैं अब इसमें एक चम्मच तेल डाल दिया हमने। अब मैंने जो ये अरबी है, ये जो अरबी मैंने धो ली है, मैं अब इसमें से तल लूंगी। तलने के लिए गैस पर रख देती हूँ धीमी आंच पर कुछ देर के लिए, और अब मैं मसाले की तैयारी करूंगी। अब मैं मसाले की तैयारी करने वाली हूँ। अब सबसे पहले मैंने खोबरा है इसे खींच लिया है, मैंने थोड़ा सा खोबरा लिया है और उसे खींच लिया है, और मैंने प्याज ली है, प्याज को भी मैंने काट के भून लिया है, और अदरक लहसुन लिया है। बस इतने ही चार इन्ग्रीडियंट्स के मसाले में ही हमारी अरबी काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इसमें खसखस ऐड करनी है तो आप थोड़ी सी खसखस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें फल्ली भी ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो, ताकि मसाला जो है वो चिकना बनेगा। पर यहाँ पे मैंने सिर्फ खोबरा लिया है, प्याज लिया है और अदरक लहसुन लिया है। अब मैं इसे बारीक पीस लूँगी। तो ये अब पक रहा है, अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और थोड़ा सा नमक डालती हूँ, ताकि ये अच्छा सॉफ्ट पक जाए। और मैं इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देती हूँ। ये पक चुका है, अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। और बस मैंने एक ही चम्मच कढ़ाई में तेल डाला, मैंने सिर्फ एक ही चम्मच तेल डाला था, उसमें से भी इतना बच गया। अब मैं इसी तेल में ये करी लीव्स है जो मैंने धो के रखे हैं, मैं डालूंगा। और ये मसाला जो मैंने पीस के रखा है, ये मसाला मैं इसमें डालूंगा। कड़ी पत्ता की खुशबू है, काफी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कड़ी लीव्स की। मैंने कड़ी पत्ता डाला है, अगर आपको चाहिए तो आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, पर टेस्ट चेंज के लिए कभी कड़ी पत्ता यूज कीजिए, कभी तेज पत्ता यूज कीजिए, उसे अलग टेस्ट भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। अब ये मसाला पकने आ रहा है, अब मैं इसमें डालने की थोड़ी सी हल्दी और लाल तीखा। मुझे स्पाइसी अच्छी लगती है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही डालती हूँ, और एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी।
और इसे पकने के लिए छोड़, मैं इसे ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़। ये पकने आया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। जो मसाले का जार है ना मिक्सर में जो मैंने पीसा, उसका पानी मैंने धो लिया, वो पानी मैंने इसमें डाल दिया और मैं फिर से इसे कुछ देर पकने के लिए रख देता हूँ। मसाला पक चुका है, अब मैं ये अरबी है इसमें मिक्स कर देती हूँ। और मैं इसे 2 मिनट यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ऑलरेडी अरबी पकी हुई है क्योंकि मैंने पहले ही तल ली थी, पर फिर भी मैं इसे 2 मिनट इसमें ढक के रख दूँ। ये ऑलरेडी पकी हुई है, अब मैं इसमें ये जो इमली का गूदा है, इस इमली को मैंने भिगो के रखा था, अब मैं इसका गूदा निकाल कर ये इमली का पानी इसमें डालती हूँ। अगर आपको करी थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसी घट्ट पसंद है, मीन्स ऐसे घट्ट करी चाहिए, तो आप इसमें पानी ना डालें, पर मुझे थोड़ी सी पतली चाहिए क्योंकि मैं इसे चावल के साथ भी खाऊंगी, तो मैं इसमें थोड़ा और गूदा निकाल कर इमली का पानी डाल देती हूँ। और अब मैं इसे स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। नमक मैंने पहले ही अरबी में डाला है, तो अब मैं इसके स्वाद अनुसार इसमें नमक डालती हूँ। और मैं इसे उबाल आने के लिए 2 मिनट रख देती हूँ। वाह, अब इसको उबाल आ गया और ये अच्छे से पक भी गई है। देखिए इसे चमचे से आराम से कट रही है, चमचे से कटती है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसे सर्विंग डिश में निकालती हूँ। ये अब मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, सर्विंग बाउल में। अब इसमें मैं करियंडर डाल के इसे सर्व करूँगी। ये मेरे अरबी की सब्जी एकदम सर्व करने के लिए रेडी है।